370 हटने के बाद पहली बार न्यूज 18 एलओसी के सबसे करीब के तंगधार इलाके में पहुंचा। एलओसी के सबसे करीब इस इलाके के लोग आर्टिकल 370 हटाए जाने से बेहद खुश दिखाई दिए। लोगों को विश्वास है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से अब उनके इलाके का विकास होगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद नजदीक एक ऐसी जगह पे जिसका नाम है तंगधार। जी हाँ, ये तंगधार वही जगह है जिसको आपने कई बार सुना होगा खबरों में, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यहाँ से जो है यहाँ पे फायरिंग करता है, सीज फायर वायलेशन करता है और कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं और यकीन मानिए धारा 370 के हटने के बाद यहाँ के लोगों में खासा खुशी है। उनका सीधे तौर पर ये मानना है कि यहाँ जो सुविधाएँ उस धारा 370 की वजह से नहीं पहुंच पाती थी वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगी। कुछ ऐसे लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो यहीं के बाशिंदे हैं और यहाँ से भेड़ बकरियां चराते हैं और उसके बाद श्रीनगर में भी ये लेके जाते हैं ताकि उनको वहाँ पे बेच सके। ईद के दौरान जो है यहाँ से भी कई सारे लोग वहाँ जा गए हैं और अपने भेड़ बकरियों को जो है वहाँ पर बेच रहे हैं। इस वक्त हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं और क्या ये धारा 370 हटने के बाद नया जो नियम पूरी दुनिया पूरे देश में जो लागू होता है वो इनके ऊपर भी लागू होगा और कितना फ़ायदा होगा इन्हीं से जानते हैं। साहब आपका नाम बता दीजिए। कलंदर खान सर। कलंदर साहब, धारा 370 के बारे में क्या जानते हैं? इसके हम इसके बारे में इतना जानते हैं जो ठीक है सर, जो 370 उठा है ये हमें अच्छा लगा है सर। जो काम आज तक नहीं हुआ सर होगा, आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला सर। हमें यहाँ स्कूल बनेंगे, अच्छा डेवलपमेंट होगा, अच्छे अच्छे काम बनेंगे सर। जो साधना की टेंडर आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं, यह भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बनेगी। ये हमें इसका पूरा यकीन है। हम ठीक ठाक है, सुरक्षित हैं, मगर एक बात है सर, हमें यहाँ से छलंग होती है। हमें बचने के लिए ना तो कोई डिंगर बने हैं ना तो कुछ हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब छलंग होती है तो हम कहाँ जाते हैं सर? हम नीचे कलवटों के नीचे बढ़ जाते हैं तो, मगर बाल बच्चे हमारे जो बहुत रो रहे हैं सर, छोटे छोटे बच्चे, उनको बहुत तकलीफ होती है सर। पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा, अच्छे तरीके से देती तो है ही सेना। हाँ वो तो देती है सर, वो तो देना भी चाहिए। हम जहाँ भी बैठे हैं सर, कहीं काम अपने खेतों में निकलते हैं सर, माल बेची के लिए आते हैं तो गोला आके सामने गिर जाता है सर, बड़ी तकलीफ होती है सर। इसका हमें कुछ होना चाहिए, कोई बिंकर शिंकर हमें मिलने चाहिए। चूँकि आपका नाम क्या सर? अब्दुल रशीद सर। क्या करते हैं आप यहाँ? बस सर माल मलेशी के साथ है सर, बैगू में। क्या यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हैं? यहाँ पे आप लोगों के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए अब तक? और आपको लगता है कि अब बदलाव होगा, बेहतर होगा अब धारा 370 हटने के बाद? सर धारा 370 उठने के बाद हमें बहुत खुशी हुई है सर। हमें यहाँ स्कूल बनेंगे, टनल बनेगी, अस्पताल आएंगे, हमारे लिए बहुत बहुत फैसिलिटी होंगी सर। हम इसलिए बहुत खुशी कर रहे हैं सर। आप लोग के परिवार में कितने लोग हैं? सर मेरे परिवार में तो 6-7 है। तो क्या जब पता लगा होगा कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, धारा 370 हट गया है, एक अलग सा एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, अब सीधा केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर रहेगा, क्या घर वालों की क्या प्रतिक्रिया, अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं वो लोग क्या बोलते? बिल्कुल खुशी मना रहे हैं सर, बिल्कुल खुशी मना रहे हैं। हमें बहुत बहुत फैसिलिटी मिलेंगी सर। जो पैसा आता था मतलब उधर से वो बीच से गायब हो जाता था, हमें कोई पता ही नहीं लगता था, गरीब के घर तक पहुँचता नहीं था, गरीब को मिलता नहीं था। हमें बहुत खुशी हुई है कि हमें इंशाअल्लाह सब कुछ मिलेगा, हमारी टंडल मिलेगी, हमें अस्पताल मिलेंगे, हमें हर चीज़ की दिक्कत अब नहीं होगी सर। ये सरकार आई, इस सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया जो कि अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। अब एक चीज़ बचती है कि जो हमारा हिस्सा उधर कब्जे में है अब वो भी वापस आना चाहिए। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल हमें ये छीनिंग हो रही है सर। हमारे बैंकर नहीं है, हमें बैंकर है ही नहीं है, अब इंशाल्लाह हमें बैंकर भी मिलेंगे सर, हमें खुशी है सर। आपको लगता है कि वो वाला जो हमारा हिस्सा है जो उनके कब्जे में है पिछले काफ़ी सालों से, क्या वो भी वापस ये सरकार दिलवा पाएगी आपको लगता है? हाँ सर, हम उम्मीद रखते हैं क्योंकि हमारा देश ये है, हम अपने देश के लिए मतलब खुशी करते हैं। हमारा देश जब सुखी रहता है तो हम लोग भी सुखी रहते हैं, ये हमें उम्मीद है, इंशाल्लाह हमें मिलेगा वापस। हमारी सेना यहाँ बहुत टाइट है, इंशाल्लाह हमें फख्र है अपनी सेना पर, हमें वापस मिलेगा सर। चाहते हैं कि क्या क्या पीएम मोदी से आप अपील करेंगे या बोलना चाहेंगे कि जो हमारा हिस्सा उधर का उसको वापस लाया जाए? सर हम मोदी साहब पे मतलब उन पे यही भरोसा विश्वास रखते हैं
कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। अगर जो हमारा नहीं है उसके बारे में हमें दुख भी नहीं है, हमें अपना चाहिए, अपना देश सुखिया चाहिए, क्योंकि हमारा देश यही है, इसी का हम खाते हैं, इसी में हम रहते हैं, हमारा रहन सहन, हमारे बच्चे मतलब इंशाल्लाह इसी देश में आगे निकलने चाहिए, ये हम हमें देना चाहिए। गृह मंत्री ने बोला है कि जम्मू कश्मीर मतलब पूरा जम्मू कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी, आपको लगता है कि वो सपना भी साकार करेगी सरकार जल्दी? हाँ पक्का करेगी सर, हमें पूरा यकीन है, हमें बहुत अच्छा लगा सर, ये हमें इंशाल्लाह सब कुछ होगा, जो कभी नहीं हुआ सर वो अब सब कुछ होगा। बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उनको धारा 370 हटने की खुशी है और जो अब तक नहीं हुआ वो होगा। मैं अपने कैमरामैन प्रदीप को कहूँगा, वो दिखाएंगे, वो सामने जो चोटी देख सकते हैं वो एक तिकोनी चोटी जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो हम वो जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके पीछे का पूरा इलाका जो है अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करें तो वो जो है पूरा मुजफ्फराबाद कहलाता है। और अब जिस तरीके से यहाँ के लोग मानते हैं कि धारा 370 हटने के बाद जो सुविधाएं उनको नहीं मिल रही थी अब तक वो उन तक पहुँचेंगी, स्कूल खुलेंगे, अस्पताल आएंगे और यहाँ पे जीवन और ज़्यादा बेहतर होगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ संदीप बोल, न्यूज़ 18 इंडिया, तंगधार।